यहाँ से जो हाइट है ना वो आप अनएक्सपेक्टेड हाइट है इस पहाड़ी के बाद। बंदा इधर ना मतलब खड़ा नहीं हो सकता, सर ऊपर लगता है बिल्कुल। घर देखे ना नीचे, बिल्कुल भाई मतलब बिल्कुल जर्रे जर्रे बराबर नजर आ रहे हैं। हमने बादल चेक करे और वो नीचे है दरिया झेलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो भाई आज हम पे मालिक का बहुत करम हुआ है क्योंकि आज हमारे मेहमान आए हैं मुल्तान से, जावेद भाई शाहनवाज भाई। ऑडियंस को हाय करें मेरी को। ये आए हैं जी जावेद भाई और शाहनवाज भाई लोधरा से, मुल्तान के साथ लोधरा। पहले बताएं शाहनवाज भाई, कश्मीर कैसा लगा हमारा? बहुत खूबसूरत है। जावेद भाई तो बहुत दफ़ा आए हैं, बस ये है कि मैं पहले वीडियोज़ नहीं बनाता था, अभी बनाने शुरू किए। जावेद भाई सराइकी में कैसे कहेंगे कश्मीर बहुत खूबसूरत है? कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सोना है, बहुत सोना है। ये सराइकी इनकी ना थोड़ी हल्की हल्की सराइकी है भाई, हैवी लेवल की सराइकी नहीं बोलते। अभी इनको लेके जा रहा हूँ मैं अपना गांव विजिट करवाने, अपना एरिया विजिट करवाने, और जितनी भी जगह आएंगी वो इनके साथ विजिट करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हम जा रहे हैं एक खूबसूरत सी जगह पर, इनको मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा जी ये इधर एक केव है वो इनको विजिट करवा देते हैं। चेक करें जी केव। शाहनवाज भाई ये पत्थर के अंदर है पूरी की पूरी कंप्लीट, और ये चेक करें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इसका। अंदर इसके ना पानी के चश्मे हैं दो, एक ये इधर है और एक वो उधर। ये एक पानी का चश्मा और एक इस साइड पे है। ये इधर से लोग लेके जाते हैं पानी शानी, और बंदा इधर ना मतलब खड़ा नहीं हो सकता, सर ऊपर लगता है बिल्कुल, बैठ के आना पड़ता है। ये चेक करें जी माशाल्लाह इसका माहौल। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम रुके हैं खूबसूरत सी जगह पे, इधर से व्यू चेक करें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर से माशाल्लाह। इनको लेके जाना है उधर ऊपर जो टावर पे, जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे। यहाँ से भी हाइट है लेकिन उधर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और हम अक्सर औकात वो जो स्विमिंग करने के लिए आते हैं ना तो वो उधर नीचे है जगह कहीं, किधर अनिल भाई वो रही है ना, वो उधर है, ये इधर है वो स्विमिंग वाली जगह। एक फाइनल व्यू इधर से चेक करें जी माशाल्लाह। इस तरफ हमारा पलंदरी है, उस तरफ वो सामने एरिया बलोच का है, और वो उस तरफ जो है वो कोटली है भाई, उधर मीरपुर है, और ये सारा एरिया इधर से आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता है, लेकिन ये जो एरिया है वो क्लियर नज़र आता है, ये जो नीचे वाला एरिया, ख़ास करके ये जो घर हैं और साथ ही साथ ये जो पत्थर हैं ना भाई, ये बहुत खूबसूरती बनाते हैं इस एरिए की। ये चेक करें जी रास्ता हमारे कश्मीर का, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, एक व्यू पॉइंट है उधर, तो रास्ता बड़ा जो है ना भाई उल्टा सीधा है इधर का। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत सी जगह पे, और यहाँ से जो हाइट है ना वो आप अनएक्सपेक्टेड हाइट है इस पहाड़ी के बाद। शाहनवाज भाई आप भी क्या याद रखेंगे किधर ले के आए हैं, आगे आगे देखें होता है क्या। ये चेक करें हाइट, हाइट देखिए आपने, ये है जी वो जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे थे काफ़ी देर से। हाइट चेक करें इधर से भाई, ये देखें ये फुल, यहाँ से हाइट चेक करें कितनी ज़्यादा हाइट है, और नीचे दरख्त चेक करें ना ये बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। वो चेक करें सामने का व्यू माशाल्लाह से, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो इधर से नज़र आता है। और शाहनवाज भाई हमारे बैठ गए हैं कि चक्कर आने शुरू हो गए उनको इतनी ज़्यादा हाइट देख, हम तो आदि हैं इधर के ये जगह देख देख के ना, और घर देखे ना नीचे बिल्कुल भाई मतलब बिल्कुल जर्रे जर्रे बराबर नज़र आ रहे हैं। हमारे जावेद भाई हैं जो कि हाइट से बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, आए ना आगे आए आए, हाँ वीडियो के चक्कर में आ गए, बाकी ये वैसे डरते होते हैं हाइट से, आए आगे इधर आए, जिधर मैं बैठा हूँ इधर बैठे ना, ये देखें मैं किधर बैठा हूँ सुकून तरीके से, ये चेक करें आए ना है थोड़ा सा आगे इधर, वो जिधर अनिल भाई खड़े हैं उधर आ जाएं, अनिल भाई को देखें भाई किधर खड़े हैं, यहाँ से अगर अनिल भाई जाए ना नीचे, हमें आदत असर इस तरह की जगह देख देख के वो सिस्टम निज़ाम, तो फिर उस तरह खौफ नहीं आता। वैसे ये खौफनाक जगह है भाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खौफ नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता ही है हमें भी भाई। इधर आए इधर इधर आए ना, हाथ पकड़े मेरा, कुछ भी नहीं होता इधर आए, हवा इधर आए कुछ नहीं होगा, ये इधर इधर खड़े हो जाए आगे, ये वो जाला लगा हुआ है कुछ भी नहीं होगा। हाँ इधर आगे आगे जाए,
पकड़े ना उसको। ये देखें किस तरह से ठहरे जावेद साहब। खौफ खौफ आता है इधर, डर आता है कि नहीं? चक्कर आते हैं भाई, उसको देखें उसके कहा चक्कर भाई। जावेद साहब तितर बितर हो गए। अनिल भाई को देखें किधर खड़े हैं, जाके पुरसकून तरीके से नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। ये सीन चक्कर है जी माशाल्लाह, वो सामने बादल चक्कर है और वो नीचे है दरिया झेलम, वो सारा दरिया झेलम है और ये बादल का सा सीन चक्कर है। वैसे कैसे पूरा क्लाउड का टुकड़ा ऐसे जो है ना भाई इधर खड़ा है, काफ़ी देर से इधर ही है ये माशाल्लाह और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम आए हैं दूसरी साइड पर, इधर से व्यू दिखाते हैं हमको माशाल्लाह, इधर से व्यू चेक करें। बस जिधर आप देखेंगे आपको पहाड़ियाँ ही नज़र आएंगी भाई और सब्जा ही नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरत एरिया ये भी माशाल्लाह से। हाँ जी, तो मेहमानों को रात को घुमा फिरा के हम वापस घर आ गए थे, रात हो गई, फिर मैंने वीडियो शूडियो नहीं बनाई। तो अभी के सीन ये हैं कि भाई उन्होंने बोला, उनको कल मैंने खिलाई ये इंजीर फ्रूट भाई, उन्होंने बोला भाई हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गए तो आप हमारे लिए और लें। अभी ढूंढ ढूंढ के ये थोड़े से मिले उनके लिए, मंगा जी उनको खिलाएँ, क्योंकि जो भी ये आता है कश्मीरी जो फ्रूट्स हैं ना उनसे तो सबको मोहब्बत हो जाती है। तो फिर अभी उनको जाके ये फ्रूट खिलाते हैं और फिर उनका देखिएगा, मतलब वो भाई फुल डिमांड कर रहे थे कि हमें ये फ्रूट मिल जाए खाने। अभी हमारे जावेद साहब आ चुके हैं, पहले इनको चेक करवा दें, ये तो फैन हो गए इनके। ये ले, मिले नहीं है ज़्यादा, थोड़े मिले बिल्कुल। वो दूसरे जो कल मैंने एक चैनल पे वीडियो लगाई थी रेड इंजीर, वो शाहनवाज भाई को बहुत पसंद आए थे। शाहनवाज भाई कह रहे थे शहद की तरह है मीठे वो वाले, वो ढूंढते हैं आपको आज खिलाएंगे इंशाल्लाह वो वाले भी। ये वाले ज़्यादा सही है, वो वाले वो जेली वाले, जेली वाले जो रेड कलर के हैं ना वो इनको ज़्यादा पसंद है, तो वो खिलाएंगे इंशाल्लाह, ढूंढेंगे कोशिश करें मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वो पके नहीं है, थोड़े थोड़े पके हुए हैं। तो भाई मेहमानों को अभी भेजा है जैन भाई की तरफ कि वो जाएं, जैन भाई ने बुलाया उनको कि आएँ आप उनको खिदमत खिदमत करें। तो इतनी देर में मैं इजी हुआ तो आ चुका है मेरा शहज़ादा, ये चेक करें मोहम्मद, जल्दी आओ मोहम्मद। ये आ गया जी मोहम्मद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास आज, फिर इसकी दाढ़ का मसला है काफ़ी दिनों से और इसने घर में ना काफ़ी शोर शोर डाला होता है, तो आज मैंने कहा कि फैमिली को साथ लेके चलते हैं, इसका ये सलूशन करवा के लाते हैं भाई, क्योंकि ये जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा दर्द करती है और फिर तंग करना शुरू कर देती है। कौन सी दाढ़ का दर्द है मोहम्मद, कितना एक दर्द है, कितना ज़्यादा है, और आज फिर लगवाओगे इंजेक्शन इसमें हैं, क्या करोगे, भाग जाओगे? कहता है आज फिर भाग जाऊंगा मैं, आज नहीं भागने देता मैं तुम्हें, आज जो मर्जी करना है ना कर लो, आज भागने नहीं दूंगा, ठीक है, भाग जाओगे? क्या करे, अभी से कह रहे कि मैं भाग जाऊंगा। हम पहुंच चुके हैं डेंटिस्ट के पास और आपको दिखाता हूँ ये मत, किधर चलना है नहीं दबर सुनो जी रन है, किधर क्या खौफ खा जाता है भाई ये डॉक्टर के पास जल्दी लेके आते हैं इसको, तब भी मोहम्मद है मोहम्मद मोहम्मद फुल भाई मूड ऑफ, अभी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं लेके जाए, बाहर जाना है मैंने, एक दिन मैं लेके आया था इसी तरह भाग गया था, आज नहीं भागने देंगे क्या कर से तू क्या कर से ना ना गुड़ खाए यार, इतना आगे देखना नाड़ा दर्द शुरू हो जाए, ठीक हो जाए बिल्कुल, ठीक है उन्हें दर्द दर्द है नहीं आड़ा ना बिल्कुल भी मल ने ठीक हो जाए हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक अ दस आड़ फिर तो ठीक हो जाए बच्चे ने नहीं तो वह तो सामने दिसनी आड़ खराब हो नहीं दी आम बचाए रखे ने आम खाने तो ठीक हो जाए ये सिर पे हाल चेक करें हमारा भी बचपन इसी तरह का था खूबसूरत सा ये चेक करें जी ये आज फिर सक्सेसफुली कामयाब हो गया डॉक्टर साहब के पास गया तो सही है लेकिन इतना मुंह नहीं खोला था जाके मैं ठीक हो गया वो ठीक हुई है बिल्कुल फोन का टेंशन परेशानी देनी है बिल्कुल आज फिर गया डॉक्टर से भाग गया अब उन्होंने कहा कि इसको रहने दें कोई चीज़ ना दें जब इसको दर्द ज़्यादा होगा ये खुद कहेगा कि मेरी ट्रीटमेंट करना
जी तो अभी हॉस्पिटल से होके हम वापस घर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद आज फिर अपने मिशन में कामयाब हो गया जी, भाग गया डेंटिस्ट से। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।